अस्सलाम वालेकुम जी, बिन साइड पर हम आ गए हैं। बिन साइड मोस्ट फेवरेट औरतों का ब्रांड है क्योंकि ये बड़ा रिजनेबल होता है। टू पीस लॉन के ड्रेसेस जो हैं ये मिल रहे हैं 3200 समथिंग एंड 3700 समथिंग, डिपेंड करता है अगर किसी पे एम्ब्रॉयडरी है तो इस तरह से, अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सिंपल प्लेन है, सिर्फ लॉन में है तो उनका अलग है। अच्छा, इनकी फैंसी कलेक्शन भी बहुत अच्छी है, वो भी मैंने कवर किया अपनी इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको कुछ सेल के आर्टिकल और कुछ इनकी लॉन की कुर्तियाँ या टू पीस जो है ना, मैंने कहा वो ज़रा आपको दिखा दूँ। ये कोई सिंधी सा प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत। इसके स्लीव पे अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी भी है, इसके नेक पे भी एम्ब्रॉयडरी है और इसके दामन पे भी बहुत अच्छा सा जो है वो लेस टाइप का पूरी डिज़ाइनिंग हुई है। ये वाला ड्रेस है, इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है और सारे गले पे, दामन पे भी है, बाजुओं पे भी है। 3295 का ड्रेस है। अगर एम्ब्रॉयडरी के लिहाज से देखा जाए, फैब्रिक लॉन है और सीजनल भी है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइसेस बड़ी रिजनेबल हैं। ये वाला ड्रेस भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा देसी सा ड्रेस है, देसी लोगों को देसी कपड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर औरतों का बहुत फेवरेट ब्रांड है बिन सईद और बड़ा हॉट सेलिंग ब्रांड है। ये बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं क्योंकि इसके प्राइसेस कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स के काफ़ी रिजनेबल होते हैं। 3795 का भरा हुआ एम्ब्रॉयडरी का ड्रेस है और कलर कॉम्बिनेशन भी इसके बहुत खूबसूरत है, कूल है गर्मियों के लिहाज से। अच्छा, 20% इसके ऊपर ऑफ है। 20% ऑफ में कपड़ा जो है वो कैम्ब्रिक कपड़ा है, मरीना का कपड़ा है एंड खद्दर का कपड़ा है, जो कि अभी आउट ऑफ सीज़न हो चुका है और ये जब तक ड्रेसेस हैं तब तक सेल है। जब ड्रेसेस आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे तो सेल भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तब तक है जनाब, इसके लिहाज से कि 3-3 पीस के ड्रेसेस हैं यहाँ पर लटके पे, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, खद्दर के जो फुली एम्ब्रॉयडर्ड हैं, काफ़ी अच्छी सी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, दुपट्टा भी है इसके साथ। तो मैंने ना ओवरऑल मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं मैंने बनाया, लेकिन मैंने बस ओवरऑल कवर कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर देखा जाए औरतों की चॉइस के लिहाज से, घर में पहनने वाले कपड़ों के लिहाज से तो काफ़ी बेहतर है, आप कहीं दावत वगैरह पर भी पहनकर जा सकते हैं। लेकिन अभी मुझे किसी ने कमेंट किया कि जी मैं जो है वीडियो स्वात से देख रही हूँ, तो स्वात वालों और जहाँ जहाँ ठंड है उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी मुफीद रहेगी क्योंकि इस टाइम पर इस पर सेल लगी हुई है। बिन साइड पर आप जाके उसकी ऑनलाइन शॉपिंग से शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका दुपट्टा है और ये मैंने इनको कहा कि मुझे सूट बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा है, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी गले पे बहुत प्यारी हुई है और इसका जो इन्होंने लगाई हुई है पट्टी बाजू पे और दामन पे वो भी बहुत खूबसूरत है। तो इन्होंने मुझे दुपट्टा भी इसका अलग से निकाल के दिखाया, साथ में इसके प्लेन ट्राउज़र है, ठीक है, खद्दर का ये कपड़ा है जनाब, और इस वक्त ये सेल आर्टिकल है, सेल में ये पड़ा हुआ है, तो ये आपको ऑफ पे मिल जाएगा 20% से 30% ऑफ में, ठीक है। उसके बाद जनाब अभी हम आ गए, कुछ मिक्स फैब्रिक्स हैं जिसमें लॉन है, कैम्ब्रिक है, लीनन है, इस तरह के फैब्रिक्स हैं और गर्मियों में ये पहने जा सकते हैं क्योंकि लाइट वेटेड होते हैं, इतने हैवी कपड़े नहीं होते, लेकिन ये मैंने आपको सारे दिखा दिए। अच्छा, 20% ऑफ में ये जो है ना, इनका एक फैंसी ड्रेस भी पड़ा, बल्कि एक नहीं दो तीन पड़े हुए फैंसी ड्रेसेस, मगर मुझे जो है ना वो ये ड्रेस थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने कहा जरा इसको निकाल के देखते हैं। इसके मेहनत हुई है काफ़ी, स्लीव के ऊपर अच्छे से मेहनत हुई है और उस पर हैंडवर्क भी है साथ साथ में एम्ब्रॉयडरी के, ठीक है। प्राइसेस अगर उसके हिसाब से देखी जाए, जितना ये हैवी ड्रेस है तो काफ़ी इसकी रिजनेबल है। दुपट्टा इसका बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, बहुत अच्छा दुपट्टा है और ऑर्गेन्जा का ये है कपड़ा, फैब्रिक ऑर्गेन्जा का है, इसकी मलाई की शलवार है जो भी दिखा रहा है, ट्राउज़र पे भी नीचे इन्होंने ना ऑर्गेन्जा के कपड़े के साथ जो है वो लेस भी ऐड की हुई है। दुपट्टा भी भरा हुआ है एम्ब्रॉयडरी का, कलर कॉम्बिनेशन इसमें बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल जो है ना डिसेंट कलर्स इन्होंने यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर डिसेंट कलर्स लग रहे हैं। इसकी प्राइस है 8500 समथिंग और ये आपको ऑफ पे मिल जाएगा। ये ऑरेंज वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा है, गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा है ये ड्रेस, लेकिन ये थोड़ा फैंसी से लुक में आ जाता है क्योंकि अगर मुझे कहा जाए कि मैं कहीं किसी दावत में पहन जाऊँ तो हाँ ठीक है, लेकिन शादी वगैरह में भी इसको पहना जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे ब्लैक और मरून में और ये इनका डिस्प्ले भी है ड्रेस, ये आर्टिकल मुझे भी बहुत पसंद आया है कि अगर मेहंदी के लिहाज से, शादी के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत प्यारा ड्रेस है। ये फ्रॉक बहुत खूबसूरत है, इसके जो दामन है उस पर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ, स्लीव इसके बहुत प्यारे लग रहे हैं, कलर जो है वो पिंक एंड
येलो है, आप मेहंदी पे, माइयों पे इस ड्रेस को वेयर कर सकते हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद ये येलो वाला, ये वाला भी बहुत प्यारा लगा, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, मज़े का है। ये भी ब्लैक एंड रेड का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, मगर हर बंदे की चॉइस ये नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा खिंची मिची एम्ब्रॉयडरी है। ये ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है मैरून एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ। इसके भी स्लीव काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे बने हुए कपड़े जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके फैंसी ड्रेसेस हैं। फैंसी ड्रेसेस की प्राइस कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स के वर्क भी काफ़ी हैवी है। ये सबसे डिसेंट ड्रेस था एम्ब्रॉयडरी के लिहाज से, कलर के लिहाज से मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसके स्लीव पे भी बड़ी मेहनत से काम हुआ है और इसके दुपट्टा जो है वो पर्पल कलर का है। दुपट्टा कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा अच्छा है। इनके अनस्टिच में यहाँ पर शर्ट्स भी पड़ी हुई हैं, थ्री पीस भी पड़े हुए हैं और इस टाइम पे ये बड़ा रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। इन पर ऑफ लगा हुआ है क्योंकि आउट ऑफ सीजन हो चुके हैं। खद्दर एंड लिनन के कपड़े, मरीना का फैब्रिक है, तो आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन आप जाएंगे बिन साइट के ऑनलाइन आप शॉपिंग के, तो वहाँ पर आपको तमाम तर ड्रेसेस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आने का मकसद ये होता है ताकि आपको ड्रेसेस की जो ओरिजिनल फैब्रिक है और कपड़ा दिखने में वाकई कैसा है, ताकि वहाँ पर बंदे को ओरिजिनल वीडियो में पता चल जाए। पिक्चर्स का ये होता है कि फ़ोटोशॉप हुई होती है, काफ़ी एडिटिंग हुई होती है, तो इतना आइडिया हो नहीं पाता जी। यहाँ पर जो है वो टीन एजर के भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से कपड़े दिए हुए हैं, यानी गर्लिश ड्रेसेस जो है वो स्मॉल में 20% ऑफ पर ये भी पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर लॉट्स ऑफ वैरायटी है अगर आप बाय करना चाहते हैं। चिकनकारी के कपड़े हैं, लॉन के कपड़े हैं, उसमें जो है वो थ्री पीस हैं, टू पीस हैं, कुर्तियाँ हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस पड़े हुए हैं। मैंने सोचा सर चिकनकारी के ड्रेस की प्राइस तो चेक करें, तो 5000 समथिंग है। अनस्टिच कपड़े आपको इस तरह के मिलते हैं अदर ब्रांड से, अगर आप लेना जाते हैं तो वो आपको मिलते हैं इस प्राइस में, जिस प्राइस में ये आपको स्टिच में मिल रहा है थ्री पीस, ठीक है। और यहाँ पे सारे ड्रेसेस मैंने जो है ना वो नज़र मार ली थी, ठीक है, मुझे कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगा जिसकी वजह से मैंने उसको निकाल के नहीं देखा। ये वाइट वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखा दिया। आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया करें और मुझे बताया करें कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊँ। किस ब्रांड पर बनाऊँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक सरप्राइजिंग वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है एथनिक इंस्पायर्ड ड्रेस की, जिसकी प्राइस 20,000 है लेकिन मैंने उसको 6,000 में स्टिच किया है। तो वेट कर रहे हैं हम ड्रेस का, जल्दी से ड्रेस आए ताकि मैं उसकी कंप्लीट वीडियो आप लोगों से शेयर करूं और उसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत बेताब हूं। आई डोंट नो कि वो स्टिच होने के बाद कैसा लगेगा, होपफुली कि वो वैसा ही लगे जैसा मैंने सोचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।